हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। और जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा, जो मैं बताने वाला हूँ, गूगल क्रोम का वर्जन 71 का अपडेट आ चुका है और उसमें आपको बिल पेमेंट्स प्रोटेक्शन और न्यू एड पॉलिसी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको जानना है कि ये बिल पेमेंट प्रोटेक्शन और न्यू एड पॉलिसी क्या है और गूगल क्रोम में नया नया क्या अपडेट किया गया है गूगल की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक। तो चलिए अपने वीडियो को ना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल टेक कुमार प्ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट टेक की न्यूज़ हर दिन लाते रहता हूँ। और बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, गूगल क्रोम का जो वर्जन 71 है वो आ चुका है। और अगर आपने अभी तक अपने गूगल क्रोम को अपडेट नहीं किया है अपने PC या लैपटॉप में, तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत अच्छी अपडेट आई है गूगल की तरफ से। और इसमें मैं बता दूं, खास ध्यान दिया गया है बिल पेमेंट प्रोटेक्शन को लेके और न्यू एड पॉलिसी, एड फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो आज चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं गूगल ने इसमें क्या क्या इम्प्रूव किया है। गूगल ने जो क्रोम 71 का अपडेट लाया है उसमें आपको एड ब्लॉकिंग फीचर दिया है अब्यूजिव वेबसाइट की तरफ से, और बिलिंग प्रोटेक्शन से, बिल जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भी आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा हद तक दिया गया है, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम की केसेस बहुत ज़्यादा हो रही है, गूगल को ये स्टेप लेना पड़ा। तो चलिए आगे हम जान लेते हैं, ये जो अपडेट है ये जल्द ही आपके एंड्रॉयड क्रोम में भी आ जाएगा। अभी तक एंड्रॉयड क्रोम में नहीं आया है, PC और लैपटॉप के लिए आ चुका है। तो जल्दी जल्दी अपने क्रोम को अपडेट कर लीजिए। सबसे पहले मैं एड्स के बारे में बात कर लेता हूँ। लेटेस्ट वर्जन का जो गूगल क्रोम है इसमें आपको मैलिशियस वेबसाइट की तरफ से जो एड्स, बहुत ज़्यादा कम एड्स की बात छोड़ लीजिए, बहुत ज़्यादा जो एड्स और मैसेजेस आते रहते थे, आपको नोटिफिकेशंस आते रहते थे, वो सब कम, बहुत कम हो जाएगा। और थर्ड पार्टी लिंक्स जो आते रहती थी वो भी बहुत कम हो जाएगा। ये आपका आपकी साइबर सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करेगा और साइबर सिक्योरिटी रिस्क को भी एलिमिनेट करेगा, और स्कैम लिंक्स और फिशिंग ईमेल्स, फेक ईमेल्स को भी ये हटा देगा, ये क्रोम नहीं दिखाएगा आपको। बहुत अच्छी अपडेट लाई है। तो मैं दूसरा बता देता हूँ, तो दूसरा जो अपडेट है वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की तरफ से। जो क्रोम 71 का अपडेट है उसमें बिलिंग ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा हद तक ध्यान दिया गया है गूगल की तरफ से। जब भी आप पेमेंट अप करेंगे क्रोम 71 के अपडेट से, तो गूगल क्रोम एक डिस्क्लोजर देगा आपको, नेचर ऑफ पेमेंट बताएगा, इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय द वेबसाइट, ये सब बहुत सारी जानकारी आपको देगा और बताएगा कि ये सिक्योर्ड है या नॉट सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे है। और अगर आप कोई सस्पिशियस मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, या जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं रुपीज़ या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उसका कोई ये सस्पिशियस मोड है, तो गूगल क्रोम उसे ब्लॉक कर देगा और आप उस साइट को फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारी अपडेट्स आने वाली हैं, तो जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए क्रोम को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस घंटे वाला आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत अच्छी अपडेट आई है गूगल की तरफ से, और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।